आजकल जिसको भी देखो सब लोग हेल्थ केयर का कोर्सेज लेके आते हैं, और वो भी हेल्थ केयर के जो कोर्सेज है ना वो 1, 2, 3, 4 नहीं है, अराउंड 100 कोर्सेज है, जिसका लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। सभी लोग हेल्थ केयर के कोर्स लेके आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तब वहां पर फील्ड जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, बट न्यूजीलैंड में हेल्थ केयर की फील्ड जॉब ढूंढना बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि जब आप कॉलेज में होंगे तब आपको पार्ट टाइम कोई मॉल या फिर क्लीनिंग की जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आपकी फील्ड जॉब मिल जाएगी। उसका रीजन भी यही है कि यहाँ पर फील्ड जॉब की बहुत डिमांड है, स्पेशली इन हेल्थ केयर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कोर्स, और इस जॉब के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, कितना पे होगा, आपकी पीआर गारंटी के साथ मिलने ही वाली है, बट वो कैसे मिलेगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और उसके साथ साथ इस जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जो गंदी गंदी चीजें हैं ना वो भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। कि अगर आप ये कोर्स लेके न्यूजीलैंड में आते हो तो आपकी जो भी जॉब होगी उसका नाम होगा सपोर्ट वर्कर, केयर गिवर, हेल्थ केयर असिस्टेंट या फिर पर्सनल केयर असिस्टेंट, और ये जॉब बहुत जल्दी से मिल जाती है। उसका एडवांटेजेस, पहले हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस यहाँ पर ये है कि इस जॉब में आपको पक्का पीआर मिलेगा, क्योंकि ये जो जॉब है वो ग्रीन लिस्ट में है और शॉर्ट लिस्ट में भी है, और जब कोई भी जॉब ग्रीन लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट में होती है तो आपको पीआर मिलना पक्का होता है, ये इमिग्रेशन बताता है, मैं नहीं कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको जब पीआर के लिए अप्लाई करना होता है तब आपका जो पे होगा वो मीडियम वेजेस होना चाहिए, जो अभी $28 समथिंग कुछ चल रहा है, और फेब्रुआरी 2023 से वो बनेगा $29.66। अभी ये जो जॉब है इसका जो भी पे होता है वो आपकी कंपनी डिसाइड नहीं करती है, या फिर आप नहीं डिसाइड करते हो कि आप कितना पे लोगे या फिर कंपनी कितना पे आपको देगी, ये सभी डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बॉडी इसके साथ इन्वॉल्व होती है, और अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको सारे वर्कर्स को $28 पे करना है, मतलब करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि जो भी हेल्थ केयर की जॉब कर रहा है उसको मिनिमम मीडियम वेजेस पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने मीडियम वेजेस बढ़ा दिया तो फिर जॉब में भी पे राइज आएगा, जो कि अभी आने वाला है फेब्रुआरी 2023 में $29.60 हो जाएगा। तो जो भी लोग अभी यहाँ पर इस जॉब में काम करते हैं वो तो बहुत ही खुश है। अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस यहाँ पर ये है कि ये जो जॉब है ना बहुत ही गंदी है। डेफिनेटली इस जॉब में बहुत ही स्कोप है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं 2 या 3 साल जॉब करते हैं, जैसे ही पीआर आता है उसके 1 या 2 महीने में ये जॉब छोड़ के चले जाते हैं। बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है और इस जॉब में आपको करना क्या पड़ता है। सबसे पहला, आपको पेशेंट को शावर देना होता है, क्योंकि इसमें आपके जो पेशेंट होंगे वो या तो बुढ़े होंगे, या तो मेंटल होंगे, या तो फिर स्पेशल नीड्स वाले होंगे, या तो डिसेबल होंगे, या फिर हैंडीकैप होंगे, तो वो लोग अपना खुद का काम खुद से नहीं कर पाते हैं, तो सारे उसके काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने उसको शावर दे दिया, टॉयलेट भी करवा लिया, और टॉयलेट करवाने के बाद जो काम होता है ना सफाई वाला, वो भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर वो क्लाइंट का बाउल खराब है, या फिर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको पोटी आ रही है या फिर सुसु आ रही है, उसने पैंट में ही पोटी कर दी या फिर सुसु कर दी, तो फिर साफ भी आपको ही करना पड़ेगा। बहुत गंदी जॉब है, मैंने बहुत सारे दोस्त लोग करते हैं, बट पीआर के लिए यह सब चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बाद खुद वो खाना खा नहीं सकते हैं, तो फिर आपको उसको खिलाना पड़ेगा। तो एक मेरा दोस्त है वो यही जॉब करता है, बट वो प्योर वेजिटेरियन है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि उस जो उसका क्लाइंट जो है वो कीवी है, यानी कि वाइट है, वो लोग तो फिश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, तो वो सभी चीज़ें उसको खिलानी पड़ती है। बट क्या करे, पीआर का मामला है, 2 या फिर 3 साल में जैसे पीआर हो गया ना, वो बोल रहा था मुझे कि मैं तुरंत ही छोड़ दूंगा। उसके बाद मेंटल हेल्थ के अगर पेशेंट आ गए तो मेंटल हेल्थ में तो कभी कभार आपके पास डंडा लेके आ जाता है, कभी कभार तो नाइफ लेके आ जाता है कि आज मैं तुझे मार दूंगा, तो ये चीज़ें भी आपको सहनी पड़ेगी। बट यहाँ पर एक फायदा भी है आपको, अगर आप केयर गिवर, हेल्थ केयर असिस्टेंट या फिर पर्सनल केयर असिस्टेंट की जॉब नहीं करते हो, उसकी जगह पे आप सपोर्ट वर्क की जॉब करते हो, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। कैसे, सपोर्ट वर्क की जो जॉब होती है उसमें सारे क्लाइंट इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपको उसको शावर मोस्टली नहीं करवाना होता है, या फिर पोटी वगैरह खुद कर लेते हैं वो भी हमें नहीं करवाना पड़ता है, आपको उसको खाना बना के देना पड़ेगा वो खुद खा लेगा, आपको स्पून पकड़ के मुंह में नहीं डालनी पड़ेगी जो आप केयर गिवर की जॉब में करते थे। उसके बाद उसको आपको दवाई देनी है। तीसरा, वो खुद ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसको उसकी की गाड़ी में बिठा के कहीं पे घुमाने ले जाना है, शॉपिंग पे ले गए या फिर मूवी दिखाने ले गए या फिर बीच पे ऐसे ही घूमने के लिए ले गए, तो ये सभी चीज़ें सपोर्ट वर्कर की जॉब में होती है। तो ये फायदे एंड नुकसान मैंने दोनों बता दिया इस जॉब का, बट मुझे अभी ये लग रहा है कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि आपका पे भी बहुत अच्छा होगा, $29 इज़ रियली गुड पे दोस्तों।
उसके बाद आपका पीआर भी हो जाएगा। मोस्टली लोग यहाँ पे आते क्यों है, 20,000-35,000 डॉलर खर्चा करके यहाँ पर आते इसलिए कि उसका पीआर हो जाए, सिटीजनशिप हो जाए, क्योंकि सिटीजनशिप के बाद बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं इससे। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हेल्थ केयर की जो जॉब है वो जॉब क्या होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज लेके आप यहाँ पे आओगे तो ये जॉब आप कर पाओगे, तो उसके लिए पूरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, या फिर पूरा लिस्ट भी मैंने डाल दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।